हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे कि ब्रेड डो को नीट करते समय विंडो पेन टेस्ट कैसे किया जाता है और आखिर में विंडो पेन टेस्ट है क्या। अगर आपने ब्रेड बेकिंग नया नया शुरू किया है तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन जरूर आता होगा कि कैसे पता चलेगा कि डो जो है वो प्रूफिंग के लिए यानी कि फर्स्ट प्रूफिंग के लिए रेडी है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर आपने डो को अंडर नीट कर दिया या आपने बहुत ज्यादा उसे नीट कर दिया तो दोनों केसेस में प्रॉब्लम्स हो सकती है। अगर आपने डो को बहुत ज्यादा नीट कर दिया तो जो एंड रिजल्ट है यानी कि जो आपका ब्रेड बनेगा वो ड्राई, क्रम्बली और डेंस बनेगा, और बहुत ही कम नीट करने पर डो का जो है फाइनल ब्रेड का जो है वो शेप नहीं आएगा और उसमें जो ब्रेड बनेगा उसमें थोड़े से होल्स होंगे। इस सभी प्रॉब्लम्स से बचने के लिए एक ही सॉल्यूशन है जो कि है विंडो पेन टेस्ट। विंडो पेन टेस्ट करने के लिए आप ब्रेड डो को कम से कम 10 मिनटों के लिए नीट करें। अगर आप स्टैंड मिक्सर का यूज कर रहे हैं तो आप 5 मिनट उसमें नीट करें और उसके बाद आप उसे चेक करें, लेकिन इस समय मैं हाथों की मदद से नीट कर रही हूं और मैंने इसे 10 मिनटों के लिए नीट किया है। उसके बाद इस तरीके से आप छोटा पोर्शन ले लें डो का और अच्छे से दोनों हाथों के बीच में मसल ले और इस तरह थंब और पहली दो उंगलियों के बीच में लेकर उसे स्प्रेड करना स्टार्ट करें। डो जो है या एक जो ये पोर्शन है वो एकदम टेढ़ नहीं होना चाहिए और एकदम थिन वो बन जाना चाहिए। सो आप देख सकते हैं कि लाइट जो है वो इसमें से पास हो रही है और आपको मेरे फिंगर्स की इम्प्रेशन भी दिख रही होगी, यानी कि ये डो जो है वो हमारा रेडी है फर्स्ट प्रूफिंग के लिए। अगर डो बीच में से फट जाता है तो आपको डो को 2 से 3 मिनटों के लिए और नीट करना है और इस एक्सरसाइज को रिपीट करना है।